पोरसा कस्बे से एक युवती को दो युवक जबरन बाइक पर उठा कर ले गए थे और रात भर कमरे में रखा और उसके साथ छेड़खानी की। लेकिन युवती सुबह अपने घर पहुंच गई, जहां उसने अपने माता पिता को पूरी घटना बताई, जिस पर थाने पहुंचकर मामला भी दर्ज हुआ था। पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी, अपहरण व SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक एक युवती शनिवार की रात 9 बजे के करीब अपनी झोपड़ी से बाहर शौच के लिए आई। इसी बीच वहां पुराना खेरा निवासी लुक्का खान व लल्ला खान पहुंच गए, जहां युवती का दोनों युवकों ने दुपट्टे से मुंह बांधा और जबरन बाइक पर बैठा कर लुक्का खान के एक मकान पर ले गए, जहां मकान के एक कमरे में हाथ पैर बांध कर डाल दिया गया। सुबह 4 बजे दोनों ने उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे, जिस पर वह दोनों को धक्का देकर वहां से भाग गए। घर आकर युवती ने अपनी पूरी व्यथा माता पिता को बताई थी। युवती ने माता पिता के साथ पोरसा थाने पहुंचकर आरोपित लुक्का खान व लल्ला खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिन दोनों आरोपियों को थाना प्रभारी रामपाल सिंह जादौन के द्वारा टीम गठित कर ज्योति रोड पोरसा से रात 8 बजे के समय पर दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है, एवं आज दोनों आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कर जेल भी भेजा गया। 26 तारीख को महिला ने रिपोर्ट की थी कि उसको घर से पकड़ के ले गए और जो है एक कमरे में बंद किया था, वहाँ से वो जो है उसके साथ अच्छी हरकत की थी। उस पर रिपोर्ट पर से प्रकरण कायम किया था, उसमें 24 घंटे के अंदर आरोपी राहुल खान और लल्ला खान और क्लासिक कोर्सई के हैं, उनको दोनों का चोटी रोड से गिरफ्तार कर लिया है, जिनको आज न्यायालय पेश किया जाएगा। क्या पहले भी कोई अपराध में लिप्त हैं ये लोग? अब इनका आपराधिक रिकॉर्ड छिड़वा है, इनका आपराधिक रिकॉर्ड होगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। टाइम एज के लिए मध्य प्रदेश के पोरसा से धर्मवीर पचौरी की रिपोर्ट।